चिल्ड्रेन, आज मैम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई है। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैम आपको एक छोटा सा वार्म अप कराएंगी। सब लोग अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए। एवरीवन क्लोज योर आईज। सारे बच्चे क्लोज करेंगे आईज, किसी की आईज ओपन नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, again breathe in, breathe out. Okay, everyone rub your palms. Now put your palms on your face and slowly open your eyes. Now everyone fold your hands and cross your legs and sit properly to listen your ma'am. This is calendar. Ma'am will discuss date here. What is the date today? Today is 15. Which month is going on? April month is going on. Which year is going on? 2020. What is the date today? Today is Wednesday. अब मैं आप लोग को लिखना बताएंगी। ओके, डेट, डी ए टी ई। ओके, आज कौन सी डेट है? 15th April. ए पी R I L, April, comma 2020. What is the date today? Today is Wednesday. W E D N E S D A Y. Which project is going on? मैंने आपको उस दिन बताया था ना, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? माई सेल्फ, एम वाई एस ई एल एफ, माई सेल्फ। हमारा प्रोजेक्ट माई सेल्फ चल रहा है। उस दिन मैम ने आपको कुछ बॉडी पार्ट्स नेम बताए थे, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताए थे। कौन कौन से बताए थे? हेड, हेड, आईज, आईज, नोज, नोज, माउथ, माउथ, ईयर्स, ईयर्स। ओके, आज मैम आपको एक और बॉडी पार्ट बताएगी जो कि है हैंड। एच ए एन डी, हैंड। आज मैम आपको कुछ पार्ट्स हैंड्स के बताएगी। हैंड्स में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना। चलो सी मैम्स हैंड, सी मैम्स हैंड। ये मैम का हैंड है, आप लोग देख रहे हैं, ये मैम का हैंड है। ओके, चलो टेल मी व्हाट इज दिस। दिस इज पाम। व्हाट इज दिस? दिस इज पाम। पाम क्या करता है? पाम किसी चीज़ को टच करने में, किसी चीज़ को फील करने में हमारी हेल्प करता है। ये क्या है? ये हमारी फिंगर्स हैं, ये हमारी फिंगर्स हैं। और ये थंब है, ये थंब है, ये थंब है, ये पॉइंटर फिंगर है। दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर एंड दिस इज पिंकी फिंगर। फिंगर्स का क्या काम होता है? हम लोग को ईट करने में मदद करता है, हम लोग को लिखने में मदद करता है, कुछ चीज़ पकड़ने में मदद करता है हमें। ओके, ओके, नाउ दिस इज आवर रिस्ट। ये क्या है? ये हमारी रिस्ट है। रिस्ट हमारे आर्म्स को हमारे हैंड से जोड़ती है। ओके, और हमारे हैंड को मूव करने में मदद करती है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज आर एल्बो। एल्बो का क्या काम होता है? हमारे हैंड्स को मूव करने में मदद करता है, फोल्ड करने में मदद करता है। ओके, आज के लिए यही प्रोजेक्ट डिस्कशन था हमारा। ओके, अब मैम आज आप लोग को हिंदी का वर्क कराएगी। ओके,
हिंदी में मैम आज आपको क्या कराएगी, आ से आह तक। कॉपी में कैसे लिखना है नीटली ये बताएंगी मैम। ये लाइंस देख रहे हैं ना आप, इन्हीं टू लाइंस में आपको लिखना है नीटली। चलो मैम आपको वन बाय वन बता रही हैं। आ ई उ ऊ ए री। री को बहुत ही केयरफुली ऐसे बनाना है। फिर ए ए ओ ओ अं आह। अब मैम आपको बताएंगी इन सब चीज़ों से क्या क्या होता है। ओके मैम आपके लिए एक बुक लाई है आज। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, अहमीस कुछ नहीं। अब मैम आज आपको एक पोएम भी सुनाएगी। चलो सब लोग मेरे साथ बोलना। ओके अनार का मीठा दाना, आ अनार का मीठा दाना, आ आम से जूस पिलाना, आ आम से जूस पिलाना, ई इमली की चटक खटाई, ई इमली की चटक खटाई, ई ईख से बनी मिठाई, ई ईख से बनी मिठाई, उ उल्लू को मार भगाओ, उ उल्लू को मार भगाओ, ऊन से स्वेटर बनाओ, ऊन से स्वेटर बनाओ, री ऋषि को करो प्रणाम, री ऋषि को करो प्रणाम, ए एड़ी से चल के दिखाओ, ए एड़ी से चल के दिखाओ, ए ऐनक को आँखों पर लगाओ, ए ऐनक को आँखों पे लगाओ, ओ उखली से कूटो धान, ओ उखली से कूटो धान, ओ औरत भारत की शान, ओ औरत भारत की शान, अंग अंगूर का खट्टा मीठा, अंग अंगूर का खट्टा मीठा, आ से कुछ नहीं। अब आज आपका होमवर्क है, आप लोग को ये कविता घर पे लर्न करनी है और छोटा आ बड़ा आ आ से आह तक आपको कॉपी में लिखना है और रिवाइज करना है। बाय बाय। ओके सी यू।